जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑन द टॉपिक ऑफ सेट्स, दैट इज़ यूनिट नंबर 1, और एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं दैट इज़ 1A। जी स्टूडेंट्स, आज हम इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म थी? जब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था तो ये बताया था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम वर्ड्स की सूरत में लिखेंगे सेट को। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म का तो आपको पता है, जिसमें हम एक रूल के मुताबिक लिखते हैं एक्स और एक्स वाला। ठीक है, अब हमारे पास गिवन सेट जो है ALGEBR, आपने ये बताना है कि ये सेट किस चीज़ का है और आपने इसको वर्ड्स में बताना है। गौर से देखें, ये अलजबरा वर्ड बन रहा है, ये वर्ड बन रहा है अलजबरा। ठीक है, तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, सोचें। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि ये ALGEBR, अब अगर अलजबरा के लेटर्स देखें तो अलजबरा के लेटर्स होते हैं ALGEBR A। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आएगा कि यहाँ पर ए रिपीटेड है, ए दो मर्तबा आया है। ठीक है, तो ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँ यहाँ पे दोबारा से कि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर तो ए को दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन सेट की फॉर्म के अंदर वो लेटर सिर्फ एक ही मर्तबा लिखा जाता है। ठीक है, तो आपने इस वर्ड को वर्ड अलजबर नहीं पढ़ना, दिस इज़ वर्ड अलजबरा, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजबरा। यानी कि ये ऐसा सेट है जिसके अंदर अलजबरा में आने वाले तमाम लेटर मौजूद हैं, ए एल जी, जी देखें वो भी है ई बी आर, और ए तो ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये क्या वर्ड बनेगा, अलजबरा। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसे लिखेंगे। नाउ वी हैव टू राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, अब हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। बहुत आसान है, सेट बिल्डर फॉर्म इसकी लिखी जाएगी x कॉलन x, और आगे मैंने आपको कॉलन के आगे हमेशा बताया है कि आपने यही स्टेटमेंट लिखनी है, लेटर ऑफ वर्ड अलजबरा। ठीक है, जो क्वेश्चन में फॉर्म होती है, इज़ द लेटर ऑफ वर्ड अलजबरा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बी, इंजमाम, वसीम, मियादाद, एजाज, इमरान खान, हमें ये कुछ नाम दे दिए हैं और हमें इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। अब आप लोग बहुत छोटे हैं और अगर आप 1992 में पैदा हुए होते तो आपको ज़रूर पता होता कि ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप में से कोई क्रिकेट का लवर है तो उसको ज़रूर पता होगा कि ये किन के नाम है, इंजमाम, वसीम अकरम, ठीक है, मियादाद, एजाज और इमरान खान। इमरान खान कौन थे, हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर थे और बहुत फेमस किस लिए हैं कि 1992 का वर्ल्ड कप जो विन किया था वो इमरान खान की टीम ने विन किया था, और ये बाकी के लोग जो है ये इमरान खान की टीम के बहुत अच्छे विनिंग प्लेयर्स थे, ये उस टीम का हिस्सा थे, ये उस मैच का पार्ट थे कि जो कि विनिंग मैच था हमारा। ठीक है, अब आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा इसको सुन के। तो द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, हमें इस सेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि दिस इज़ द सेट ऑफ 5 पाकिस्तानी विनिंग प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। ये उन 5 खिलाड़ियों के नाम हैं कि जिन्होंने 1952 का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, सिंपल। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, हम बी लिखेंगे जो कि सेट का नाम है, और एक्स कॉलन एक्स इज़। अब आप मुझे बताएं कि इसके आगे क्या लिखा जाएगा, डेफिनेटली इसके आगे यही इसकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, इज़ अ सेट ऑफ 5 पाकिस्तानी विनिंग प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। जी स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट सी आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ द लुक एट पार्ट नंबर डी, दिस इज जी, आगे हमारे पास ये इनफाइनाइट का साइन है, इसका मतलब है कि सेट इसके आगे अभी मज़ीद चल रहा था। ठीक है, हमें नहीं पता इसका लास्ट नंबर क्या है, -4, -3, -2, 1, और वही नंबर पॉजिटिव में भी लिखे हैं और ज़ीरो भी लिखा है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि जी कौन सा सेट है, जी हमारे पास सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या आएगी, जी इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, और हमें इस सेट की लिमिट के बारे में कुछ पता नहीं कि नंबर्स कहाँ जाके ख़त्म होते हैं। ठीक है, सो ये सेट कहलाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह हम इसकी जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो हम लिखेंगे एज इट इज़ जी इक्वल्स टू एक्स
कॉलन एक्स इज, आगे क्या लिखेंगे भाई, इज एन, एक्स कौन सा सेट है, एक्स इज एन इंटीजर सेट, ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 देखें प्लीज़। राइट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब आपको क्वेश्चन किस स्टेटमेंट में दिया है, ये स्टेटमेंट आपके पास कौन सी है। एक्चुअली ये जो मेथड आपको दिया है, जिस तरीक़ेकार में इसको लिखा गया है सेट को, इस तरीक़ेकार को हम कहते हैं जी बेटा, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। और सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, इज़ द लेटर इन मैथमेटिक्स। एक्स के बारे में बताया गया है कि एक्स उन तमाम सेट वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है जो कि मैथमेटिक्स में लिखे जाते हैं, उन तमाम लेटर्स के ऊपर मुश्तमिल है। लाइक हम लिखेंगे सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में यूज़ होने वाले तमाम लेटर्स का सेट है, ठीक है। अब आप जब इसकी टेबुलर फॉर्म को लिखेंगे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस टेबुलर फॉर्म को लिखने में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने टेबुलर फॉर्म में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना होता। आप मैथमेटिक्स में देखें, सबसे पहले M लिखेंगे, देन A लिखेंगे, T एंड H। अब दोबारा ये जो M आ गया है, क्या आप इसको दोबारा लिखेंगे, नो आप यहाँ पर इसको दोबारा नहीं सेट में लिख सकते, क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ये M ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, ठीक है। देन T, A हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, T हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमारे पास अब क्या चीज़ नहीं है, अब हमारे पास E नहीं है, ठीक है। आई, सी और एस हम ये लिखेंगे तो मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये इसका टेबुलर फॉर्म।